अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग्स होंगी वो क्या होंगी, मॉर्निंग की जो क्लासेस हैं उनकी टाइमिंग क्या होती है और जो इवनिंग की क्लासेस उनकी टाइमिंग क्या होती है, कितना डिफरेंस होता है दोनों की टाइमिंग में। आज की वीडियो में यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा हम चैनल के ऊपर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं, तो अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, UEF के बारे में, तो आप हमारे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर भी और मुझसे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी लोग पूछ रहे थे कि मॉर्निंग की क्लास की टाइमिंग्स क्या होती हैं, स्पेसिफिकली इवनिंग का पूछ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स की इवनिंग में क्या टाइम होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थोड़ी थोड़ी चीज़ें वेरी करती हैं, बट टाइम का जो फ्रेम है वो वही रहता है, ठीक है। तो मॉर्निंग की जो क्लासेस आपकी होंगी वो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 8 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो मतलब टाइम टेबल होता है ना, मतलब हमारे यहाँ इस तरह था कि हमारी जो किसी दिन क्लास थी वो 8 बजे होती थी पहले, किसी दिन 9 बजे होती थी, किसी दिन मतलब कि मैं आपको सिर्फ टाइम बता रहा हूँ, मोस्टली ऐसा होता है 9:45 पे क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 8:15 पे स्टार्ट हो रही है या 8 बजे स्टार्ट हो रही है, 9:45 पे ख़त्म हो रही है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, बट आप ये समझ जाएं कि कुछ क्लासेस 8 बजे से स्टार्ट हो रही होती हैं, कुछ 9 बजे से, किसी दिन क्लास हमारी 10:15 से स्टार्ट हो रही होती थी, यानी कि 10 बजे स्टार्ट हो रही होती थी। मॉर्निंग की क्लासेस स्टार्ट इसी फ्रेम में हो रही होती है, लाइक सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक क्लासेस आपकी मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही होती है। और मॉर्निंग का जो टाइम है लाइक क्लासेस का जो खत्म कब तक हो रही होती हैं, तो ये आपकी क्लासेस कोई किसी किसी दिन क्लास आपकी 1 बजे ख़त्म हो रही होती है, ठीक है, मतलब 1 बजे से लेके जो टाइम फ्रेम है इसका मॉर्निंग क्लासेस का वो 1 बजे से लेके शाम 4 बजे तक है, ठीक है, 4:30 तक। और कुछ कुछ क्लासेस कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसी हैं कि जो किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि वो 5:20 तक चलती क्लास। मतलब हमारे यहाँ कुछ ऐसा था कि हमारे वीक में एक क्लास थी जो कि 4:30 से 5:20 तक थी, जो कि बहुत कम होता था कि 5:20 तक जाए, हम लोग 5:20 तक फ्री हो जाते थे। तो कुछ कुछ ऐसा होता है, मतलब मॉर्निंग में ये सीन चल रहा है कि क्लासेस सुबह 8-9 बजे से लेके स्टार्ट होके, मतलब 8 से 10 बजे से स्टार्ट होके चल रही हैं 2:30 बजे 1:30 बजे और लास्ट ख़त्म हो रही हैं 4:30 5, इससे आगे नहीं जाती, ठीक है, ये मॉर्निंग का होता है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वीक में ना डे टू डे वेरी करता है, कुछ दिन जो क्लासेज हैं वो जल्दी ख़त्म हो रही होंगी आपकी 1:30 बजे 2 बजे, क्योंकि हर वीक में ना एक लेक्चर एक ही दफ़ा आता है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास आती है, मतलब एक वीक में 2 क्लासेस मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल है कि आ जाएं, मतलब हर वीक में आपको एक कोर्स पढ़ाया जाता है, अगले वीक में फिर उस कोर्स की दोबारा क्लास होती है, मतलब एक कोर्स एक वीक में एक से ज़्यादा दफ़ा उसकी क्लास नहीं होती। तो अब बात कर लेते हैं इवनिंग की टाइमिंग की। तो इवनिंग का टाइम क्या होता है कि इवनिंग का टाइम स्टार्ट होता है 2:30 बजे से लेके, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो रहा था 8-10 बजे से लेके, तो इवनिंग का टाइम भी इसी तरीके से 1:30 से 2:30 बजे से स्टार्ट हो रहा होता है, 1:30 2:30 बजे, मतलब कि 2 बजे से ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रहा था। आपको 1 बजे से 2 बजे तक ना ब्रेक होती है यूनिवर्सिटी में, 1 से 2 की ब्रेक होती है, उसमें आपने नमाज पढ़नी है, कोई लंच वगैरह करना है तो वो कर लें, मतलब 1 बजे जितनी भी क्लासेज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, 1 से 2 बजे की ब्रेक होती है, उसके बाद भी 2 बजे से क्लासेज अगेन स्टार्ट होती हैं, मॉर्निंग वालों की भी और इवनिंग वालों की भी जो भी है। तो 2 बजे से ऑनवर्ड क्लासेस स्टार्ट होती हैं इवनिंग की, 2:30 से ऑनवर्ड जो है वो इवनिंग की क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये क्लासेस इवनिंग की स्टार्ट होकर 2:30 से ऑनवर्ड वही 5:20 और मैक्सिमम 6 बजे तक चल रही होती हैं, 6:30 7 बजे तक, इससे आगे नहीं जा रही होती, ठीक है, लाइक 6:30 बजे तक आप फ्री हो रहे होते हैं इवनिंग क्लास से, ठीक है, मैक्सिमम इतना ही जा रहा होता है, ठीक है, यानी कि इवनिंग का ये चक्कर नहीं होगा कि आपकी रात को 8 बजे क्लास हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता आपका। मगरिब से आगे नहीं जाती, उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि जो फीमेल हॉस्टल्स हैं ना वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता स्टूडेंट्स को कि मगरिब से बाद जो है वो बाहर रहें, मतलब मगरिब से पहले पहले जो है ना वो इवनिंग की क्लासेस वाइंड अप हो रही होती हैं, क्योंकि मोस्टली मगरिब से पहले वाइंड अप हो रही होती है। अब सर्दियों में देखें मगरिब कब हो जाती है, 5:30 6 बजे तक हो जाती है, तो 6 बजे तक क्लासेस वाइंड अप हो रही होंगी आपकी 5:30 तक, क्योंकि वजह इसकी ये है कि जो फीमेल हॉस्टल्स हैं तो फीमेल जो हॉस्टल्स हैं उसमें अलाउ नहीं किया जाता कि मगरिब के बाद कोई फीमेल जो है वो हॉस्टल से बाहर रहे, अगर वो मगरिब के बाद उसने बाहर रहना है तो उसने परमिशन लेके जानी है, ठीक है। तो अगर किसी फीमेल ने मगरिब के बाद या रात को बाहर निकलना है, उसको कोई प्रॉब्लम आई है, तो बाकायदा उसका एक पूरा प्रोसीजर है उसका फीमेल का जो है वो परमिशन लेने का, तो इसलिए जो है वो इवनिंग में क्लासेस यहाँ तक एंड हो रही होती है मगरिब तक, मगरिब के बाद कोई क्लास नहीं होती, मगरिब तक वाइंड अप कर दी जाती है, मगरिब से पहले पहले वाइंड अप हो जाती है क्लासेस। तो आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको लिए इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा था,
इसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्लास की टाइमिंग्स का आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपके लिए बेनिफिशियल रही है, तो वीडियो को कर दें लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।